जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम हनी है और मैं आर्टिस्ट हूँ। आज है हमारे व्लॉग का 72वां दिन। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया दोस्तों, सुबह की शुरुआत की हमने भोलेनाथ के आशीर्वाद के भी साथ। दोस्तों कुछ इस तरीके से हम मंदिर पहुँच गए थे और यहाँ पे अनेक देवी देवता की भी मूर्ति स्थापित है, उनका भी हमने आशीर्वाद प्राप्त किया दोस्तों। और गणेश जी का दोस्तों आशीर्वाद तो हमेशा से ही हमारे साथ है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था दोस्तों, हमने भी थोड़ा हाथ बटाया और बहुत सारा हमने यहाँ पे खिचड़ी बनाया है दोस्तों भंडारे में बांटने के लिए, जो कि काफ़ी टेस्टी है क्योंकि ये भगवान को भोग लगने वाला है दोस्तों। कुछ इस तरीके से सभी लोग ज़मीन पर बैठकर खा रहे थे, हमने भी ज़मीन पर बैठकर दोस्तों भंडारे का आनंद उठाया और अपने हाथों से इस भोग को खाया और इसकी स्वाद और भी ज़्यादा लजीज हो गई थी दोस्तों जब हम इसे अपने हाथों से खा रहे थे। फिर दोस्तों हम निकल जाते हैं दुर्ग स्टेशन के लिए अपने एक दोस्त के साथ, क्योंकि हमें जाना होता है हरिद्वार उत्तराखंड दोस्तों। तो हम सबसे पहले पहुंच जाएंगे दुर्ग स्टेशन और यहां से पकड़ेंगे सीधे दिल्ली के लिए ट्रेन दोस्तों। यहां पे हमारे देश का झंडा लहरा रहा था और मेरा एक दोस्त मुझे छोड़ने भी आया हुआ है। फिर दोस्तों कुछ इस तरीके से हम अपनी ट्रेन के चलने का इंतज़ार कर रहे थे, ट्रेन चलने लगी, मेरा दोस्त मुझे जा चुका था छोड़ के और हमने खाया दोस्तों ककड़ी जो कि काफ़ी टेस्टी था। और ये मेरा एक दोस्त मिल गया था दुबे जी, जो कि मुझे पूरे दिल्ली तक साथ मेरे गए और मुझे बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से खुश होकर खिला रहे थे, ज़बरदस्ती खिला रहे थे। नहीं खाना है भाई, आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि भाई थे हमारे यूपी बिहार वाले। तो हम दोनों भाई बैठ के कुछ इस तरीके से मज़े करते हुए पहुंच जाते हैं और आगे की ओर, और फिर हम खाते हैं दोस्तों समोसे दोनों भाई मिल के। कोई अनजान आदमी मिल जाए और वो इतना प्यार से अगर आपको कुछ दे तो ज़रूर लेना चाहिए और देना भी चाहिए। कुछ इस तरीके से दोस्तों फिर सुबह हो जाती है और पता ही नहीं चला था कब रात हो गई थी। सुबह की शुरुआत करेंगे हम चाय पी के, जो कि इंडियन रेलवे की चाय थी दोस्तों, काफ़ी टेस्टी थी, थोड़ा इसमें कम था चाय पत्ती दोस्तों। सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे स्टेशन आने का, कब स्टेशन आए, और वो जल्दी से कूद पड़े इस ट्रेन से दोस्तों, क्योंकि यह ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट चल रही थी अपने समय से, लगभग 4 घंटे लेट दोस्तों। फिर दोस्तों हम पहुंच गए थे आगरा के पास और आ गया था ट्रेन में पेठा, ये भी हमें दुबे जी ने ही लेके दिया, हमारे दोस्त ने। भाई पेठा खाते हैं बोलते हैं दुबे जी, तो हम खाए अंकल जी के साथ मिलके और पता ही नहीं चला बात करते हुए कब हम पहुंच गए दिल्ली। और कुछ इस तरीके से हमने दुबे जी को बाय कर दिया। आप दोस्तों दिल्ली कभी भी पहुँचेंगे निजामुद्दीन, तो कभी भी 6, 7 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जाइएगा, जिससे कि आपको बस स्टैंड जल्दी पास ही पर मिल जाएगा। वहाँ से आप बैठ के सीधा चले जाइए कश्मीरी गेट और उसके बाद आपको इस दुनिया में जहाँ भी जाना है वहाँ के लिए बस मिल जाएगा, विदेश के लिए छोड़ के दोस्तों, और सिर्फ भारत के लिए। क्या है दोस्तों, चमड़े की जुबान है थोड़ी फिसल जाती है ना, इसीलिए। तो दिल्ली का आपने ट्रैफिक देखा, अब ये सुंदर सा दृश्य आपको हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले रास्ते पर दिखाई देगा दोस्तों। बहुत सारे टूरिस्ट होटल होते हैं और हम इस वक्त हैं दोस्तों उत्तराखंड परिवहन बस में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलती है दोस्तों। इसे बस नहीं, इसे प्लेन बोल सकते हैं हम। हरिद्वार का आपको सामने की ओर साइन बोर्ड दोस्तों नज़र आएगा। फिर दोस्तों हमारी जो बस होती है हवाई जहाज विमान, वो रुक जाती है एक ढाबे पे, यहाँ पे हम खाते हैं यहाँ का लोकल फूड और हम ऑर्डर करते हैं थाली, क्योंकि थाली में दोस्तों आपको यहाँ का सारे डिश का स्वाद पता चल जाएगा। हमारी बस इस तरीके से यहाँ पे खड़ी थी, डॉग भी आपको सामने की ओर एक बैठा हुआ दिखेगा दोस्तों। हमने खाया रोटी, राइस और शाही पनीर और दाल। उसके बाद दोस्तों हमारी बस फिर से आगे चल पड़ी, क्योंकि हमें दोस्तों पहुँचना था हरिद्वार और अभी तक हम पहुँचे नहीं थे। यही रास्ता दोस्तों देहरादून के लिए जाता है, जिससे दोस्तों
अगर गाड़ी पहुँचा ही देती है हरिद्वार वाले मोड़ पर, इस मोड़ से दूसरे हरिद्वार में जो बस स्टैंड है उसके जस्ट सामने ही आपको हरिद्वार का रेलवे स्टेशन भी नज़र आएगा कुछ इस तरीके का। इसी के सामने दोस्तों बस स्टैंड भी है। फिर दोस्तों हमने इंतज़ार किया अपने एक भैया का जिनके पास अपन आए हुए हैं और उन्हीं के साथ हम घूमने जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमने डिनर किया और आज ख़त्म किया अपने दिन को।